दिल्ली से एवन संवाददाता लियाकत अली हमारे साथ फोन लाइन पर। जी लियाकत, विस्तार से वहाँ का हाल बताएं। जी बिल्कुल, भारतीय महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े को लेकर सिरोही जिला प्रशासन पुलिस विभाग पूरी तरीके से मुस्तैदी से अलर्ट नजर आ रहा है। पिछले दो दिनों में करीब यहां पर समय के बाद बाहर घूमने वाले कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे थे, करीब 100 से ज्यादा लोगों को पकड़कर पुलिस ने कोविड-19 जांच करवाकर उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा है। साथ ही पुलिस द्वारा समय समय पर आम जन को घरों में रहने के लिए अपील भी की जा रही है और सख्त तौर पर पाबंद भी किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की चेन को अगर तोड़ना है तो लोगों को कहीं ना कहीं घरों में रहना पड़ेगा और घरों में रोकना पड़ेगा। जी भारती जी लियाकत, इसके अलावा हमें ये इस बात की भी अपडेट दें कि क्या वहाँ पर जो शादी समारोह हो रहे हैं उनमें जो गाइडलाइंस की पालना को किस तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने सख्त तौर पर अधिकारियों को पाबंद किया है कि जो भी शादी समारोह आयोजित हो रहे हैं उनमें अनुमत संख्या से ज्यादा के लोग शरीक न हो। कल देर रात्रि सिंगन तहसील के पोसालिया गांव में भी एक शादी समारोह में सिंगन प्रशासन ने कार्रवाई की है, जहाँ पर परिवार के ऊपर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही पिछले दो दिनों में सिरोही तहसीलदार नीरज कुमारी में भी 5-6 शादियों पर कार्रवाई करते हुए उन परिवारों पर भी जुर्माना लगाया है। प्रशासन द्वारा फिलहाल जो आगे की आने वाली शादियां उनको लेकर टालने के लिए भी अपीलें की जा रही है, और अगर टालते नहीं है तो जिस प्रकार कोरोना गाइडलाइन है उसके तहत शादी करने के लिए पाबंद किया जा रहा है। जी लियाकत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता लियाकत अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे सिरोही से।